इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। उस्मानाबाद एक ऐसा प्राचीन शहर है जिसे विरासत में एक समृद्ध इतिहास मिला है और जिसकी सांस्कृतिक धरोहर बेहद खूबसूरत है। दरअसल इस विशाल दक्कन शहर में प्रकृति, इतिहास और संस्कृति का अद्भुत समागम देखने को मिलता है। दक्षिण महाराष्ट्र में स्थित उस्मानाबाद मराठवाड़ा प्रांत का प्रदेश द्वार है। मराठवाड़ा प्रांत के उस्मानाबाद जिले में नलदुर्ग किला देश के बेहतरीन किलों में से एक माना जाता है। सैन्य और इंजीनियरिंग मानकों के आधार पर नलदुर्ग को ये दर्जा हासिल है। अगर हम वेरी वेल नोन इस्लामिक हिस्टोरियन फरिश्ता को पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि नलदुर्ग बनाया गया था ओरिजिनली राजा नल। ये राजा नल काफ़ी फिक्शनल कैरेक्टर है, एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है इंडिया में, और राजा नल ने ये किला बनाया उसके लिए इसका नाम नलदुर्ग रखा गया है। नलदुर्ग का इतिहास मगर हम सीरियसली देखने जाए तो सिर्फ हमें बाह्मनी काल से नलदुर्ग का इतिहास मिलता है। बाह्मनी पीरियड में मोहम्मद गवान के पहले सुल्तान अलाउद्दीन बाह्मन शाह सेकेंड, उनके 6 इलाकों में जब वो बात करते हैं तो उसमें जो किले हैं उसमें नलदुर्ग के बारे में लिखा गया है। जो बाह्मनी किला है नलदुर्ग का, वो काफ़ी सिंपल किला है, ज़बरदस्त किला है, बोरी नदी के लेफ्ट बैंक के ऊपर है। और ये किला बनाया गया उन्होंने मोहम्मद गवान के टाइम को भी, ये बहुत इम्पोर्टेंट किला था। इसका कारण ये है कि नलदुर्ग का जो पोजिशन है वो साउथ डेक्कन से नॉर्थ डेक्कन में एंट्री करने के लिए जो ऐसे आप समझे की पॉइंट है, ये ट्रेड रूट पे, ये रोड के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर नलदुर्ग का किला है। इस किले को उसके बाद बीजापुर ने लिया बामनी सुल्तान ख़त्म होने के बाद, और इस किले को इब्राहिम आदिल शाह द सेकेंड के टाइम में नए तौर से बनाया गया। इब्राहिम आदिल शाह ने इस किले को, किले के सामने की बाजू बोरी नदी के लेफ्ट बैंक पे बाह्मनी किला तो हुआ करता था, तो राइट बैंक के ऊपर उन्होंने दूसरा एक किला बनाया, दोनों किलों को जॉइंट किया एक डैम बना के, ताकि वो डैम ब्रिज भी बन सके और डैम भी बन सके और उसके पीछे हमेशा पेरिनियल वाटर सप्लाई हो सके। ये मराठवाड़ा है, मराठवाड़ा में पानी की हमेशा कमी होती है, आजकल भी हम देखते हैं कि रेगुलरली वहाँ ड्राउट्स होते हैं, तो इस इलाके में पानी हमेशा इम्पोर्टेंट होता है। और अगर आप एक शहर बसाना चाहते हैं और शहर के साथ एक बड़ा गैरिसन होगा, आर्मी की बड़ी टोली होगी वहाँ, तो आपको पानी की सख्त ज़रूरत पड़ेगी। तो ये टू, ऐसे समझ लो दो निशान थे और एक तीर था। उन्होंने डैम भी बना दिया जॉइन करने के लिए दोनों उनके किले, और एक रिजर्वायर भी क्रिएट किया। इब्राहिम आदिल शाह एक क्रेजी जीनियस थे, वो संस्कृत में पोइट्री वगैरह लिखते थे, बहुत ही पढ़े लिखे थे, और लोग कहते हैं कि वो खुद बड़े आर्किटेक्ट थे, आर्टिस्ट थे। और नलदुर्ग के किले के जो एक्सटेंशन है, जो नलदुर्ग के किले की राइट बैंक का जो किला है जो आदिलशाही पीरियड में बनाया गया है, उसके पूरे आर्किटेक्चर में इब्राहिम आदिल शाह की एक छाप है। 1853 के बाद जो नॉर्दर्न टेरिटरी थी निज़ाम हैदराबाद की, वो ब्रिटिश को उसने सरेंडर कर दी, और उसमें पहली बार कर्नल मेडोज टेलर वहाँ के रेजिडेंट होके आए। जितना हमें नलदुर्ग के बारे में मालूम है, जितना इतिहास में लिखा हुआ है अंग्रेज़ी में, ये सब कर्नल मेडोज टेलर की मेहरबानी से है। कर्नल मेडोज टेलर ने वहाँ उनके हेडक्वार्टर्स बनाए थे रेवेन्यू कलेक्शन और असेसमेंट के लिए, और आज भी जो जनाना महल कहते हैं वो बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ रिपेयर में है नलदुर्ग के किले में, क्योंकि कर्नल मेडोज टेलर वहाँ रहते थे। दक्कन के सबसे मजबूत किलों में से एक नलदुर्ग किला इतने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है कि पूरा एक शहर ही बस जाए। किले के एक तरफ बसाल्ट की चिकनी चट्टानों की दीवारें हैं,
जबकि बाकी तीन तरफ किले बंदी हैं, जिस पर 114 बुर्ज बने हैं। बसाल्ट चट्टान से बनाए गए ये बुर्ज इतने मजबूत हैं कि यहाँ भारी से भारी तोपों को भी रखा जा सकता था। अगर आप बामनी किला देखेंगे तो उसके जो बुरुज है एकदम ही साधारण टाइप के कोनिकल बुरुज, जो बोलते हैं ब्रॉड कोनिकल बुरुज, ब्रॉड कोनिकल बैस्टियंस बोलते हैं, ऐसे टाइप के एक टाइप का बैस्टियन है पूरे किले में। जब इसे कॉन्ट्रास्ट में आप देखते हैं इब्राहिम आदिल शाह के नए किले के कंपैरिजन में, तो आप पूरे आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इब्राहिम आदिल शाह ने ऐसे अलग अलग तरह के बुरुज बनाए हैं वहाँ, जैसे को आपको लगे कि ये बुरुज की कैटलॉग है। इसमें तरह तरह के बुरुज है, चौरस बुरुज, गोल बुरुज, मोटे बुरुज, पतले बुरुज, अष्टकोण बुरुज, बुरुज जिसको बेस्ट हम जो बार्टिजान कहते हैं, जो छोटे छोटे एक्सटेंशंस होते हैं जहाँ से आप नीचे तीरंदाजी कर सकते हैं और आप खुद ढके रह सकते हैं, वैसे बुरुज है। लेकिन जब आप गौर से देखते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि वहाँ की जो पठार है, जो प्लेटो है वहाँ, उसमें जैसे इंडेंटेशंस है, जैसे अप्स एंड डाउन्स है, तो हर एक बैस्टियन को बहुत ही केयरफुली टेरेन को मैप करने के बाद बनाया गया है। ये सब बैस्टियंस बहुत ही बेहतरीन है, ये सब बुरुज देखने लायक है। लेकिन इन बुरुजों में ऐसे आप समझो कि जो ग्रेटेस्ट शायद बुरुज है पूरे देश में, वो एक नव बुरुज के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक बहुत ही बड़ा डिप्रेशन था पठार में, और जो पत्थर की पठार है यहाँ उसका बड़ा वीक स्पॉट था। तो यहाँ एक स्पेशली डिज़ाइन बुरुज बनाया गया है, 9 पतले सिलेंड्रिकल बुरुजों को जॉइन करके एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्टिंग बुरुज बना गया। उसके कारण से इसको नव बुरुज कहते हैं, और उसको सपोर्ट करने के लिए, फ्लैंक करने के लिए 2 सिलेंड्रिकल बुरुज लगाए गए। ये नव बुरुज इतना बड़ा था कि उसके ऊपर और एक टरेट बिठाया गया ताकि बड़ी बड़ी तोफ लगाई जा सके वहाँ, और ये वीक पॉइंट बहुत ही बेहतरीन तरह से डिफेंड किया जा सके। जब आप उसको एरियल व्यू या सैटेलाइट व्यू में देखते हैं तो आपको नव बुरुज ऐसे दिखता है जैसे किसी ने कमल बनाया गया है, और कमल की दोनों तरफ कलियाँ हैं, और ये कमल और कलियों को आधे में कट किया है। और ये सिर्फ इब्राहिम आदिल शाह और उसके आर्किटेक्ट पेपर पे देख सकते थे, क्योंकि उस जमाने में तो उड़ान नहीं थी। तो आप ये सोचिए कि वो उनका इमेजिनेशन इतना पावरफुल था कि वो इमेजिन कर सकते थे कि ये आकाश में से भी कैसे दिखेगा। अब नंदुर का जो नया किला है उसके 2 भाग हैं और बीच में एक बहुत ही नैरो वेस्ट है, तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए और चारों तरफ ऑल साइड्स के लिए प्रोटेक्शन के लिए नवबुर्ज के नॉर्दर्न सदर्न पार्ट में एक बहुत ही बड़ा इंडिविजुअल बुरुज खड़ा किया गया है बीच में। बुरुज नॉर्मली जब हम देखते हैं तो जो तटबंदी होती है, किले की बाहर की दीवार होती है, उसमें हम बुरुज देखते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसी एक ऊंचाई से गोलीबार करने के लिए और वॉच टावर जैसे बनाने के लिए बुरुज बनाए जाते हैं, इसे उपली बुरुज कहा जाता है। तो नलदुर्ग का जो सदर्न पार्ट है, नए फोर्ट का सदर्न एक्सटेंशन है, उसमें ऐसा एक बुरुज है, बहुत ही बड़ा एक बुरुज है, जिसको 3 लेयर्स ऑफ स्टेयर्स है ऊपर पहुंचने के लिए, और ऊपर बहुत ही बड़े 3 टरेट्स हुआ करते थे, रोटेटिंग टरेट्स, जहाँ टर्नटेबल्स हुआ करती थी जिनके ऊपर तोफे लगाई जाती थी। 2 तोफ आज भी वहाँ ऊपर किले के ऊपर, ये उपली बुरुज के ऊपर आज भी शामिल है। किले के अंदर रानी महल, रंग महल जैसे कई महत्वपूर्ण भवनों के अवशेष मौजूद हैं। किले के परिसर के भीतर एक मस्जिद और दरबार भी है। लेकिन किले में वास्तुकला का सबसे महत्वपूर्ण नमूना है एक बहुत बड़ा बांध, जिस पर पत्थरों की चिनाई है। इसे सन 1613 में आदिल शाही ने बोरी नदी पर बनवाया था। इसके अलावा पानी महल का भी जवाब नहीं है। जो नलदुर्ग का बामनी किला है उसमें आर्किटेक्चर क्या था वो हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। इसका कारण ये है कि जब इब्राहिम आदिल शाह ने दूसरा किला बनाया तो जो बामनी किला था उसके पूरे आर्किटेक्चर को उसने रेज किया और वहाँ एक रणमंडल बनाया, एक ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर हिज आर्मी, और पूरा जो बाकी का आर्किटेक्चर, नया आर्किटेक्चर था,
वो पूरा आदिलशाही स्टाइल में है और आदिलशाही फोर्ट में है। तो वहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे नमूने दिखते हैं, ज़्यादा करके वो रुइंस में हैं, लेकिन तो भी फ़िलहाल काफ़ी स्ट्रक्चर्स है जो इंटैक्ट है। जो जनाना महल था मेडोज टेलर की बदौलत से, वो काफ़ी इंटैक्ट है और काफ़ी ब्यूटीफुल है। उसका एकदम ब्यूटीफुल बालकनी है जो पूरे डैम को ओवरलुक करता है और बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन उसके वजह से। फिर ऐसे दूसरे दो तीन छोटे महल हैं जो डैम को ओवरलुक करते हैं और वहाँ बहुत कूल रहा करता था। किलेदार का पैलेस है जो शायद सैडली काफ़ी बैड कंडीशन में है। ये सब छोड़ के एक बहुत ही बढ़िया छोटा सा मस्जिद है, टिपिकली आदिलशाही पीरियड का मस्जिद है। और आज भी जो छोटी बस्ती है नलदुर्ग के किले में, आज भी वो वर्शिप करते हैं वहाँ, वो लिविंग मॉस्क है। ये अट्रैक्शंस को छोड़ के और बाकी स्ट्रक्चर्स को छोड़ के अगर आप देखने को जाए तो एक ऐसा अजूबा है नलदुर्ग के किले में जो हमारे पूरे देश में कहीं भी नहीं है। जब इब्राहिम आदिल शाह ने वो डैम बनाया बोरी नदी के ऊपर, तो उसने सिर्फ वो डैम को एक ब्रिज और डैम 2-in-1 नहीं बनाया, मगर उसने 3-in-1 बनाया। उस डैम के अंदर उसने एक बहुत ही छोटा मगर बहुत ही प्यारा पैलेस बनाया, एक जल महल बनाया जिसका कोई भी कंपटीशन नहीं है, जिसकी कोई भी सरोबरी नहीं कर सकता है। ये गर्मी में ठंडा रहता है क्योंकि पानी है पीछे और वो पानी जो है वो इवेपोरेट होते रहता है, और जो ठंड का मौसम रहता है वो पानी गर्मी रिटेन करता है, टेम्परेचर रिटेन करता है और एक इंसुलेशन का फॉर्म होता है। और बारिश की सीज़न में जब ओवरफ्लो होता है ये किले का और ये जो डैम बनाया गया है इसका जो ओवरफ्लो होता है, तो ये ओवरफ्लो के दो चैनल्स हैं जिसको नर और मादी कहते हैं, वो दो बाजू से नीचे गिरते हैं, बीच से नहीं, क्योंकि आउटर वॉल के बीच में जो ये पैलेस बनाया गया है उसका बहुत ही ब्यूटीफुल एक झरोखा विंडो है, और इस झरोखे विंडो से दोनों बाजू में जब नर और मादी फ्लो होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि पूरी मिस्ट के बीच में आप है और बहुत ही ब्यूटीफुल सेटिंग होती है। ये विशाल स्मारक सत्ता और महान वास्तुकला की गाथा सुनाता है। यहाँ आने पर ही एहसास होता है कि इतिहास, पुरानी सैन्य पद्धति और प्रकृति के मामले में ये जगह कितनी समृद्ध है, और इसीलिए हमें इस तरह की जगहों पर पर्यटन को बढ़ावा देने की जरूरत है।